let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she's savage. Hello guys, good afternoon from Indian Rider Brothers. जैसा कि आप देख सकते हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं और तो हेलो गाइस, आज का अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब के बेल बटन को आइकन को प्रेस कर दें। और आज का ब्लॉग जैसे भी आप देख सकते हैं कि इस यामा R15 के ऊपर है। ये बहुत अच्छी बाइक रही है शुरू से ही। साल 2008 में ये पहली बार इंडिया में लॉन्च हुई थी। आज हमें इसका तीसरा वेरियंट version 3 हमारे सामने है, यूट्यूब चैनल पर है। तो हालांकि जैसा कि मैं इस बाइक के बारे में जानता हूं कि यामा अपने लॉन्ग टर्म से सबसे ज़्यादा मतलब हाई स्पीड के लिए जानी जाती है। वैलेंटिनो रॉसी भी हमारी यामा के ही एथलीट हैं। तो रेसिंग का नाम जब भी लिया जाता है तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है कि यामा। तो ये यामा की सबसे पहली सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आर सीरीज़ की फ़र्स्ट बाइक है जो स्टार्टिंग हुई है आपको आर सीरीज़ का एक्सपीरियंस कराने के लिए। इसका ट्रांसमिशन, गियर ऑल अबाउट दैट ऑफ रेसिंग एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। ये KTM 200cc बाइक से भी बहुत फास्टर होती है, ये 150cc में आती है। इसका जो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है कि आज इस बाइक को मार्केट में 10 साल हो चुके हैं, इसका फीडबैक अच्छा रहा है, स्पेयर पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। तो आप इस बाइक को देख सकते हैं, इसका न्यू वेरियंट कितना शानदार आया है। इसमें फुल सिस्टम है, ये देख सकते हैं आप। SC का फुल सिस्टम है इसके अंदर। इसमें ब्रेकिंग इशू की भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई इस बाइक में। तो आप इस बाइक को एक्सपीरियंस करना है, आप अपने नियर बाय शोरूम पे जाएं, वहाँ पे इसको चला के देख सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं। इसका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये अब एक नए और बेहतरीन अवतार में आ चुकी है। और इसका जो सबसे यूनिक चीज़ है, ये न्यू कलर आया है मैट ब्लैक। ये जैसा कि आप जानते हैं कि डार्क नाइट एडिशन इस मॉडल का नाम है। तो आप इस डार्क नाइट एडिशन को देख सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। इसका सिटिंग, ये गद्दी। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको ये हाई स्पीड का एक्सपीरियंस देगी जो अराउंड आपको 150 तक का टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है। 140 से 45 तक का आपको ये कंपनी इस चीज़ को क्लेम करती है और उतना ही ये गाड़ी आराम से इजीली टच करती है। तो रेसिंग के अगर एक्सपीरियंस को आपको लेना है तो बेझिझक होकर यामा R1 वर्जन 3 को आप ले सकते हैं। ये 150 सीसी की बाइक है और 150 तक भाग जाती है और हम जा रहे हैं इसे 150 भगाने। और ये अभी हमने ली है हमारे ब्लैक कलर एडिशन में, ये नई बाइक आई है, देख सकते हैं आप कैसे लग रहा है। हम कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे अभी चलेंगे, थोड़ा विली मारेंगे, इसको अभी मारेंगे, मन आउट मारेंगे, पुराने दिन ताज़ा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब भाई और कुछ रह गया नहीं, तो आप ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको यामा की ये बाइक कैसी लगी। और मैंने इस बाइक पे बहुत खर्चा करा हुआ है। हाँ। मैंने इस बाइक में टैंक पैड लगवाए हैं, देख सकते हैं आप। और मैंने इसमें ये कस्टम मिरर लगवाए हैं, आप देख सकते हैं इनमें हैजर्ड है। और पीछे भी मैंने इसमें कस्टम वो लगवाए हैं इंडिकेटर, देख सकते हैं ये। हालांकि मुझे इन पर थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि ये किसी और से मिलते हैं। आप कमेंट करके बताइए किससे मिलते हैं और मैं आपको सुनाता हूँ इसकी साउंड। हेडफोन लगा लीजिए साउंड सुनने के लिए। Thank you.
सिखाते हैं। सॉलिड है भाई। कैसी लगी आपको साउंड फुल सिस्टम एस सी प्रोजेक्ट की? ये देख सकते हैं आप, इसमें ABS है, डुअल चैनल ABS, अगले में भी ABS, और ये पीछे भी ABS। तो बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है। और ये हम मजाक कर रहे थे कि हमारी है, ये हमारे किन की है, गैस करिए, ये है हमारे BBT ट्रैवलर्स, बिजनौई बाइक ट्रैवलर्स। ये भाई अपना